शक्ति और सभी पितृ शक्तियों को आप अपने विचार व्यक्त करेंगे। आदरणीय जामन सिंह कुमरे जी, हेलो, बोलता है कि पावन धरा और यहाँ की माँ ताप्ती, उनको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हमारे इस मंच पे भैया भोजन की व्यवस्था थोड़ी देर के लिए रोक दीजिए, उसके बाद फिर अपन सभी लोग भोजन करेंगे। थोड़ा भोजन थोड़ी देर के लिए रोक दीजिए, कार्यक्रम अभी चल रहा है। सभी से आग्रह है जो भोजन व्यवस्था देख रहा है, कृपया थोड़ी देर के लिए रोक दीजिए। अभी हमारे बहुत सारे प्रमुख वक्ता लोग रह गए हैं जो आपको अपने विचार आप सबके सामने साझा करने के लिए यहाँ आए हैं। आप लोगों से आग्रह है भोजन थोड़ी देर बाद सभी साथी आप हम सब सभी लोग भोजन लेंगे, लेकिन आप लोगों से आग्रह है कि कृपया करके आप भोजन थोड़ी देर के लिए रोक दें, उसके बाद पुनः आप इस मंच पे बैठे हमारे संगीतकार, समाज के बुद्धिजीवी, इस मुलताई के जयस के हमारे पूरे पदाधिकारी, समस्त हमारी मातृशक्ति और पितृशक्ति, आप लोग सभी लोगों का बहुत बहुत कोटि कोटि सेवा जोहार। यहाँ पर हमारे कुछ पत्रकार बंधु भी आए थे, उनका भी मैं कोटि कोटि सेवा जोहार करता हूँ। आज जयस जय आदिवासी युवा शक्ति, जयस का नाम कर दिया मैंने, नाम ही काफी है, क्योंकि आज से 10 वर्षों पहले हमारे आदिवासियों की बात करने वाला कोई भी ऐसा शख्स जो विधानसभा में पहुंचकर हमारी बात कर सके, ऐसा नेता हमारा अभी तक नहीं हुआ। तमाम संगठनों के भी हमारे बहुत सारे युवा समाज सेवियों ने हमारे इस समाज को आगे लाने के लिए अपना त्याग किया है, उनको भी हम धन्यवाद कहते हैं। लेकिन जो जयस ने आज लड़ाई लड़ी है वो आदिवासी समाज के आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ी है, और वर्तमान में भी वे रात और दिन एक करके हर सुख दुख में हर आदिवासी समाज के साथ, चाहे वो हॉस्पिटल की बात हो, चाहे थाने की बात हो, या किसी बहन के साथ कोई अत्याचार या बलात्कार होता है तो उसके एफआईआर के लिए छोटे से छोटे लोगों से लड़ सकता है, किसी भी अत्याचार या अनाचार करने वाले लोगों से लड़ सकता है। ये आदिवासी समाज के आत्मसम्मान की लड़ाई के लिए आज जयस ने पहचान बना। मित्रों, ये जयस की अपनी पहचान नहीं है, जयस की अपनी पहचान नहीं है, ये समाज की पहचान है। आज इस बात को समझने की आवश्यकता है आपको कि हम लोग जितने भी जयस के कार्यकर्ता है या जयस के युवा है, वो सिर्फ और सिर्फ समाज के दर्द के लिए लड़ रहे हैं, समाज के साथ होने वाले अत्याचार के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि 70-75 सालों से हमारे समाज के साथ में धोखा हुआ है। उस धोखे को हम लोग पहचान नहीं पाते। आज भी हम लोग जब गांव-गांव घूम रहे हैं, 24 घंटे हमारे लोगों के फोन कॉल आते हैं, जो उनकी समस्याएं बड़ी से बड़ी निकल कर आती, जो एक प्रतिनिधि का कर्तव्य होता है, वो कर्तव्य आज हमारे समाज के युवा साथी कर रहे हैं, और वो जय आदिवासी युवा शक्ति के माध्यम से कर रहे हैं। तो हमारी पहचान समाज है, और समाज की पहचान ही आज जयस बन रहा है, सिर्फ और सिर्फ वो उसके कर्मों के आधार पर। किसी भी संगठन की ताकत उसके संगठन की पहचान उसके कामों से होती है। आज जय आदिवासी युवा शक्ति किसी भी मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया के माध्यम से या पत्रचार के माध्यम से जगह जगह अपनी आवाज उठा रहा है। आज सोशल मीडिया में हर जगह आदिवासियों के मुद्दों को जगह दी जाती है, वरना आज से 10 साल पहले कभी आदिवासियों का नाम जो है वो अखबारों में नहीं आता। पीछे बता सकते हो कि आदिवासियों का नाम आता था?
नहीं आता। मित्रों, हम यही कहना चाहते हैं कि यही ताकत जो है वो हमारे एकजुटता का परिचय, वो समाज को सबसे आगे मुख्य धारा में लेकर आ रहा है। तो इसके लिए हम सब लोगों को मिलकर अपने इस आदिवासियत की रक्षा के लिए, आज जितने भी हमारे आदिवासियों की योजनाओं के बारे में अगर बात की जाए, चाहे वो वन ग्रामों से संबंधित हमारे समाज के लोगों के पट्टों की बात की जाए या जमीनों का की बात की जाए, तो जमीन हमारे आधे से ज्यादा बैतूल जिले के हमारे आदिवासियों की जमीन पर कब्जा कर लिया गया, बड़े बड़े संस्थान बना लिए गए हैं, हमारे पास समस्याओं का इतना ढेर लग गया है। और हम लोग सिर्फ उनसे हम यही कह सकते हैं कि हमारे भाइयों, हम आपके लिए जो हमसे बन सकता है वो हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए यार यदि अगर आप लोगों को लड़ना है तो हम लोगों को हमारे अच्छे प्रतिनिधियों को चुनकर अच्छी जगह भेजना पड़ेगा। आज अच्छे हमारे बैतूल जिले के इतने अच्छे हमारे आदिवासी समाज से पीएससी, जो मध्य प्रदेश की लोक सेवा की जो परीक्षा होती है, उसमें कम से कम हमारे 4 से 5 लोग आज डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी बने हैं। इसके लिए मैं पूरे बैतूल जिले के युवा और हमारी मातृशक्तियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार करता हूं। तो ये शिक्षा ही हमारी आदिवासी समाज की ताकत बनी, और इसी के लिए बाबा साहब अम्बेडकर हो या बिरसा मुंडा हो या हमारे तमाम क्रांतिकारी हो, जिन लोगों ने संघर्ष किया और आज हमारे जल जंगल जमीन की रक्षा करने के लिए जो कानून बनाए, वो आज हमारे गरीब पीड़ित वंचित के लिए जो 2 टुकड़े बचे हुए हैं हमारे जमीन के, वो आज उन लोगों को रोटी देने का काम कर रहे हैं। शिक्षा और आरक्षण के माध्यम से हमारे जो युवा आज बड़े बड़े नौकरी और पदों पर बैठ गए हैं, तो हम सिर्फ और सिर्फ शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम नहीं है जिसके माध्यम से हम लोग हमारे आदिवासी समाज को ऊंचाई पर लेकर आ सकते हैं। हमें रोजगार के लिए सबसे ज्यादा काम करने की आवश्यकता है, हमें शिक्षा की ओर सबसे ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। हमारे लिए राजनीति में अच्छे पदाधिकारियों और प्रतिनिधियों को भेजने की आवश्यकता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जयस के माध्यम से जिस प्रकार डॉक्टर हीरालाल अलावा ने आज पूरे देश में ये पहचान बनाई है, वो आदिवासी समाज की पहचान बनाई है, हमारे समाज की पहचान बनाई है, लेकिन उसके साथ साथ जब कोई ऊंचाई पर जाता है तो मित्रों उसके साथ में बहुत सारे आरोप और प्रत्यारोप भी लगते हैं, तो आप लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जाएगी, सोशल मीडिया के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया जाएगा कि जयस में किस प्रकार से आज हीरालाल अलावा यदि हमारे आदिवासी समाज की बात कर रहा है तो उसके साथ में उनकी गलतियों को, उनकी खामियों को और उनके ऊपर आदिवासी समाज को धोखा देने का भी जो है षड्यंत्र रचा जा रहा है, और ये तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से भी बताया जाता है। तो मैं साथियों आपको बता देना चाहता हूं, ये इतने सारे जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आज हमारे आदिवासी समाज से जो जयस के ऊपर राजनीति का जो थप्पा लगाते हैं और कहते हैं कि जयस वाले राजनीति करते हैं, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि मित्रों आज तक आदिवासी ने कभी भी राजनीति नहीं की। यदि आज राजनीति कर दिया होता तो वो सबसे ज्यादा अंतिम पंक्ति पे खड़ा नहीं होता और वो विधानसभा और लोकसभा में पहुंच के आज आदिवासी समाज को ऊंचाई पर लेके आ। तो हम लोगों ने राजनीति नहीं की, अगर राजनीति करते होते तो आज हम लोगों के झंडे नहीं उठाते, हम हमारा खुद का नेतृत्व तैयार करते। आज ये नेतृत्व करने वाले हमारे युवा साथी आज नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे समय बदलेगा आप लोगों को भी बदलना होगा। आज हमारे आदिवासी समाज को हमारे नेतृत्व की जरूरत है और वो काम आज आदिवासी समाज के लिए जय आदिवासी युवा शक्ति जयस कर रहा है। तो मैं चाहता हूं साथियों कि आप लोग भी मिलकर हमारा साथ दीजिए, निश्चित रूप से आने वाले समय में हम जयस से हर आदिवासी समाज की पहचान को और आगे बढ़े। हमारे लिए बड़े गौरव का क्षण है कि बैतूल की पावन धरा पे हमारे डॉक्टर हीरालाल अलावा जी आए, हमारे जयस जिला अध्यक्ष विजय डामोर जी आए, और ऐसे हमारे पूरे मध्य प्रदेश के अंदर अलग अलग युवा नेतृत्व खड़े करने वाले हमारे प्रदेश के हमारे जयस जाबाज जो युवा साथी है, वो लोग भी तन मन धन से अपने अपने क्षेत्र में आज समाज की बात और समाज की आवाज उठा रहे हैं। तो आज आप लोग जो यहाँ पर पहुंचे हैं, तमाम लोगों के लिए मेरा
कोटि कोटि सेवा जोहार, धन्यवाद। और मैं ये कहना चाहता हूं कि एक बार हम इस सभी हमारे जय शिवा कार्यकर्ता हो या तमाम जितने भी लोग इतने काफिला लेकर जहां यहां पहुंचे हैं, उनके लिए जोरदार एक बार ताली बजाए और मेरे साथ एक जयकारा जरूर करें। ताप्ती मायना, जोर से बोले। पीछे भी खड़े वाले लोग कमर पे सिर्फ हाथ रख के खड़े हैं। क्या यार, हमारे इसमें आदिवासियत की चिंगारी नहीं चल रही है क्या? आज आप लोगों के साथ इतना अत्याचार अनाचार हो रहा है या हमारे आदिवासी समाज के साथ हो रहा है, तो हम लोगों को ऐसी आवाज बुलंद करनी पड़ेगी जो आवाज चाहे यहाँ के नेता हो या हमारे संसद के हो या विधानसभा के, आने वाले समय में उनको ये आवाज पहुंचनी चाहिए कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ आदिवासी समाज नहीं, हर समाज के लिए हम आज खड़े हैं। सेवा सेवा, बड़ा पेंता सेवा सेवा, बड़ा पेंता सेवा सेवा, सगा समाजता सेवा सेवा, माहौल आजा फुरखोना सेवा सेवा। एक और बात मैं बस आखिरी अंतिम पंक्ति से खत्म करना चाहूंगा कि आज जिस प्रकार जयेश ने अपना मुकाम हासिल किया है, तो स्वाभाविक सी बात है कि इसने शिक्षा हो, राजनीति हो या आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, अपना परचम लहरा रहा है। तो मित्रों, इससे सबको दिक्कत होती है, बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि यदि आदिवासी समाज जाग जाएगा तो दूसरों के पीछे नहीं भागेगा। तो मैं कुछ पंक्तियों के साथ इसी बात को अभी यहां खत्म करूंगा। बहुत से लोगों को हमारी उड़ान से दिक्कत तो होगी, बहुत से लोगों को हमारी उड़ान से दिक्कत तो होगी, लेकिन सच कहे मित्रों, पंख उन्हीं को देता है जिनके बाजुओं में उड़ान होती। मैं समझता हूं कि आज जयेश उसी उड़ान की ओर जा रहा है और इस उड़ान से सभी लोगों को दिक्कत होने वाली है। आप भी इस बात को समझ जाए, इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारे तमाम जितने भी आदिवासी लोग हैं, सभी लोग सभी का सम्मान करें, लेकिन जहां पर अपने आदिवासी के साथ में अगर कोई गलत और अनाचार होता है तो वहां पर आप लोग जरूर खड़े रहें। धन्यवाद। सेवा जोहार मेरा क्रांति का। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बड़े भाई जावन सिंह कुमरे जी, आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में यहाँ उपस्थित सगा समाज को अपना